देश में रबी फसलों की बुआई चल रही है। जिन किसानों ने रबी फसलों की बुआई नहीं की है, ऐसे किसान बाजार और सरकारी केंद्रों पर रबी फसलों के बीजों की खरीदारी कर रहे हैं। रबी फसलों की पैदावार का आंकड़ा केंद्र सरकार के स्तर से जुड़ाया जा रहा है। जहां खरीफ उत्पादन में कुछ फसलों ने निराश किया, तो वहीं देश के कुछ राज्यों में खरीफ सीजन की धान समेत अन्य फसलों की पैदावार घट गई। रबी सीजन की पैदावार के आंकड़ों ने केंद्र व राज्य सरकार को फिलहाल राहत दी है। दरअसल पिछले साल के सापेक्ष इस साल धान की खरीद कम दर्ज की गई है। हालांकि उपज घटने के पीछे वजह सामने आई है, उनमें खासतौर पर बाढ़, बारिश और सूखा रहा है। केंद्र सरकार के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2022-23 में खरीफ सीजन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और पंजाब में धान का उत्पादन कम हुआ है, जबकि इन राज्यों में गेहूं का बढ़ा हुआ रकबा दर्ज किया गया है। इस साल इन राज्यों में 68 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा अधिक है। वर्तमान आंकड़ों को देखें तो 9 दिसंबर तक पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले देश में गेहूं की बुआई का 25% तक रकबा बढ़ गया है। ओवरऑल रबी फसलों का एरिया देखें तो पिछले साल की अपेक्षा 15% अधिक बुआई की गई है। इसके अलावा दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन में भी बढ़ावा देखने को मिला है। अधिकारियों का कहना है कि खरीफ सीजन में जहां धान समेत अन्य फसलों के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं सूखे के कारण ऐसे हालात बने हैं। वहीं रबी सीजन में बंपर अनाज की पैदावार के अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। दरअसल मानसून की कमी के कारण इन राज्यों में धान की पैदावार में कमी देखने को मिली थी, लेकिन इस सीजन में गेहूं के मामले में ये राज्य भरपाई कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जितनी पानी की जरूरत धान को होती है, उतनी गेहूं को नहीं। ग्राउंड वाटर की मदद से सिंचाई की जा सकती है। एग्रीकल्चर मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में खरीफ फसलों की पैदावार में 4% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं धान के मामले में देखें तो ये गिरावट 6% है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी तरह के खरीफ अनाजों का उत्पादन वर्ष 2022-23 में 150 मिलियन टन था, जो कि वर्ष 2021-22 में 156 मिलियन टन रहा। यदि धान की स्थिति देखें तो वर्ष 2021-22 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में 7 मिलियन टन की गिरावट फिलहाल धान में देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।